अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक आरिफ कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा मलिक आरिफ, इसको साफ़ कर दिया है यार, ये सरगोधा से होकर वापस आ गया। साफ तो कर दिया। एक तो शाम हो गई, दूसरा ना जितने हमने देखे हैं ना, बम्पर वाली चूड़ी किसी की भी नहीं, नहीं किसी को ब्लेड लगा है और किसी को बम्पर लगा है, तो ये चूड़ी नहीं है। अगर और ख़रीदें, चेंज करें और फिर भी बम्पर वाली चूड़ी ना हो तो क्या ख्याल है? कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर वही वापस लाए हैं जनाब। इसकी ना बोतल का ही थोड़ा मसला है, बोतल देखना यहाँ पर छोटी हो गई पीछे से, जब ट्रैक्टर आगे चलता है ना इसी साइड को काटता रहता है, अब ये आधा इंच छोटा हो गया ट्रैक्टर। सही। कितना? आधा आधा इंच छोटा हो गया, क्योंकि जैसे ये पीछे जाएगा छोटा ही होगा ना। क्या ख्याल है इसका? अब यही हाल है कि ये स्पेसर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देना चाहिए वाशल वगैरह। उन्होंने ये पूरा ना, इसमें ये जो स्पेसर है ना, ये पूरा बुश है बना कर ना फिक्स, उन्होंने ये डाल दिया। अब वो दूसरा दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक पड़े। और इसको मेन ना खा जाता है बाकट, सारा ये टूटा हुआ, सारा टूटा हुआ है, मुकम्मल खत्म। बुश की पोजीशन थोड़ी सी देख लें, कितना मसला है। ये वेल्ड है, ये वेल्ड है, ठीक है। अब और भी दो तीन जगह। हाँ जी, बोतल ये भी। अच्छा ये ढीला रहा, फिर ना ऐसे हिलता रहा। अब यहाँ पर आरिफ इधर आ, इस जगह पे हाथ लगाना, एक ब्लेड बनाया है। सही है। ये देखा है ना, ये देग को बाहर निकाला है, जैसे वो हिलता रहा ना, ये काबले ढीले रहते हैं। और बाकट जब इसके ऊपर लगता है ना, इसका काम बाकट का नहीं है यार, इसका काम और है। किसी भी अलग एक फंक्शन है, जिसका स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, इसका काम नहीं है। ये सारा बर्बाद कर दिया यार, ये देख कितना एक लाखों का ट्रैक्टर है, टूट फूट। हाँ जी, और चंद दिन की बचत, क्या बचत इससे उसने की होगी ट्रैक्टर वाले ने? क्या ख्याल है? 100 रुपया 150 रुपया ट्राली का देते हैं लोड करावी है, कुछ इतना बड़ा ट्रैक्टर बर्बाद कर दिया। क्या ख्याल है? सही है। सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए कि 100-150 के पीछे हम इतने बड़े ट्रैक्टर को बर्बाद कर रहे हैं। नाकारा हांडे ही नाकारा, क्या चीज़ निकली यार, आगा पूरा नाकारा। अब इसकी क्या चीज़ रीस्टोर करें? थोड़ा सा ये देखें ना, अगर इसमें ये सुराख सब बंद करवाते हैं और सुराख लगाते हैं तो टूटा हुआ तो फिर भी है। अच्छा इसकी बुश की पोजीशन देख, कहाँ पर गया है? बॉडी को ही खा गया है। अच्छा मेन जो अब इसमें प्रॉब्लम है, सरगोधा से वापस आ गया, ये पिन नहीं निकलती है, पिन टेढ़ी हो गई। क्या ख्याल है? बुश बड़ी, अब इसको दोबारा खरादिए के पास पहुंचाएंगे, अगर उसने किसी जरिए ये पिन निकाल ली ना तो फिर तो काम चल जाएगा। अगर पिन टेढ़ी हो गई, टेढ़ी होती है ना बोतल में जाम हो जाती है, पिन बहुत हार्ड है। ट्रैक्टर के जितने पार्ट्स हैं ना, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा हार्ड पिन है। पिन में सुराख है, देख इसकी कितनी जान है, इतनी जान है, आगा उठा के गिराता है, कितना वजनी बम्पर होता है। कभी सुना है कि ये पिन टूट गई? नहीं, बहुत हार्ड लोहे की पिन होती है। दूसरा वो पड़ा है आगे वाला चूल्हा, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट पोजीशन या स्टेयरिंग असम्बली पोजीशन, क्या कह रहे हैं, ये होता है ओरिजिनल शीशे की तरह। ये देख लें, इसमें कोई वाशल नहीं, कोई स्पेसर नहीं। यहाँ पर देख लें, इसका फासला देखें, पूरा पूरा फासला पड़ा है। क्या ख्याल है? जब ये डाउन होगा इस तरह आएगा, इस तरह, फिर इसके साथ लगना शुरू हो जाएगा इस जगह पर, फिर ये नाकिस हो जाता है, ख़त्म हो जाती है इसकी पूरी बोतल। अब ये देखना पूरा पूरा कंप्लीट। अरे ये सुराख किस लिए लगाया है उसने? इसी समझ नहीं, चूड़ी भी इसमें लगाई है मेरे ख्याल में, पेन को काबू करने के लिए, कि उसने यहाँ पर भी कोई ना ये बड़ी पेन साइज़ की कोई डाली है। तो बाकी ये चूड़ी माशाल्लाह ठीक पड़ी है इसकी, बम्पर वाली चूड़ी भी है, थोड़ी बहुत डैमेज है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखना ठीक पड़ी है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अच्छा है थोड़ी, बहरहाल ठीक है चूल्हा माशाल्लाह, A1 पड़ा है, क्रैक ही नहीं, इस जगह से क्रैक होता है, ये जगह देख लें, ये बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कभी भी देखो इस जगह से ऐसे क्रैक होता है, ये बिल्कुल क्रैक नहीं है किसी जगह से, देख माशाल्लाह फिट पड़ा है। कार्बन इस पर और उस पर बहुत ज़्यादा थी यार, स्टेयरिंग असम्बली की लीकेज रही है, बड़ी कार्बन थी जो उतारी है, जंग कार्बन। रेडिएटर इसका चेंज था ना, तो वो पानी नीचे गिरता रहा, जब रेडिएटर ख़त्म हुआ ना तो उस वक्त उसका पानी नीचे आता रहा, और इसको ना जंग। ये चूड़ी है थोड़ी सी यार, है ना,
लेकिन इसमें जब मूस लगाएंगे साफ करेंगे ना, उम्मीद है कि चूड़ी ना साफ हो जाएगी। ये बड़ी अहम मेन चीज है इसकी, बम्पर लगाएं तो ये चूड़ी नहीं है तो फिर क्या फायदा ना, कुछ भी नहीं। हाँ, ये चूड़ी फिर साफ सही होनी चाहिए। यार वॉश तो सही हो गया यार, देखें माशाल्लाह क्लियर है, क्या बात है। अब इसका ना अस्तर आ जाए ना, इसके ऊपर अस्तर लगा दें वरना ये जंग करेगा, दोबारा से बड़ी मेहनत लगे फिर से वैसे ही। हाँ चलो माशाल्लाह। ये है जी मुबशर सदीक के ट्रैक्टर का है जी, और वो पड़ा है 95 जो पहले खोला, पहले का। हाँ जी, और ये वहम मालिक कभी ना करें कि हमारे ट्रैक्टरों का कोई सामान मैच हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। पूरे 5 ट्रैक्टर ही खोल के आ रहे, फिर रखना खोलूं मैं खुद तो एक ही जगह पे सब को इकट्ठा कर दे, आपको एक एक पुर्जा ना तलाश करके दूं कि ये किस ट्रैक्टर का है। अभी हमने तो रखा हुआ भी अलग 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 रखा हुआ है, बिल्कुल ग्रंटेड। ये नहीं कि एक जगह पे सारा कुछ इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम इसको इकट्ठा कर दें। पुर्जे में फर्क होता है, किसी का अब जिस जो पुर्जे उसके अच्छे थे ना, इसके नाकारा निकले, उसका PTO अच्छा था, इसका PTO टोटल नाकिस निकला है, डायरेक्ट किया हुआ था गियर के साथ। क्या ख्याल है, ट्रैक्टर तो अच्छा निकला लेकिन कुछ पुर्जे उसके अच्छे थे इसके ख़त्म थे। पर अब भी अलग अलग रखा हुआ है सारे को मुकम्मल, कोई ऐसा मसला नहीं कि इसमें ना मैच हो जाए। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट। अल्लाह।